अल्लाह त वाला से हिजुल्बईतमन आल सबीना कि बंदो मेरे से मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर लाजम है कि वो अल्लाह के घर का हज करें जो इस यहाँ तक आने की इस्तात रखता है लाजिम है वाह अल्लाह के लिए सिर्फ़ अल्लाह के लिए अल्लाह से मोहब्बत के इजहार के, के लिए दिखावा नहीं है कि जी मिला ने मुझे बड़ा माल दिया तो मैं तो साल में तीन चक्कर लगाता हूँ ये नीयत नहीं है पैकेज मेरा फाइव स्टार है तुम्हारा कौन सा पैकेज है जी अच्छा फलाओ, मेरा तो फाइव स्टार पैकेज था तुम्हारा तो थ्री स्टार पैकेज था तुम कहाँ रहे थे दारुत तो में तुम कहाँ रहे थे मैं तो जी तीन किलोमीटर दूर रहा था अच्छा देखो मैं लोग करते हैं ऐसा ऐसा मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कोई और नीयत नहीं है ला वाह ही लोगों के लिए लाजिम है कि अल्लाह के लिए हज करें हज अकबर क्या होता है कुछ लोग समझते हैं कि अगर हज नौ जल को अरफात हो गए तो यह हज अकबर है और मैं आज हज कर के आया इस साल और अगले साल मेरा भाई हज कर के आया और अगले साल जुमे को हो गया हज तो कहता मुझे तो हज अकबर मिल गया है और मैं अफसोस करता रहता तो सारी उम्र यार एक साल और डिले कर लेता तो मुझे भी हज अकबर मिल जाता ऐसे ही होता है सारे हज हज अकबर हैं सब हज ज अकबर हैं हज ही को हज अकबर कहते हैं उम्रा हज ये हज असगर है छोटा हज उम्रा बड़ा हज 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 अकबर असल हज जो जुल्हिजा में किया जाता है और जो उम्र पर आते हैं ये हज असगर है सब हज हज अकबर हैं फिक्र नहीं करें आपको जुमा नहीं मिला आपका भी हज अकबर था और जिसको मिला उसका भी हज अकबर था कोई फ़र्क नहीं है दिल में मायूसी की जरूरत नहीं है वल्लास हिजुल्बमन सबीरा ऑल दो की बात हो रही है यह हज अकबर की बात हो रही है क्योंकि इंसान के पास अगर लिमिटेड पैसे हो वह उम्र पर भी आ सकता और हज उम्र हज में एक, एक चीज पर जा सकता तो क्या करें हज पे आए हज पे आए कुछ कहते हैं जी मैं पहले एक एक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ पहले मैं उम्र करना चाहता हूँ फिर मैं देखूँ फिर हज के लिए क्लामेटाइज करूँगा अपने आप को मेरे भाई अगर पैसे थोड़े हैं तो हज पे आओ सब सीख जाओगे वहीं पे ऐसे लोग हैं जो हज पे नहीं आए उम्रे दो दो तीन तीन कर चुके हैं और उनसे को हज पे जाए मेरे भाई कहते हैं पैसे नहीं है मेरे पास हज के तो वो पैसे वो जो दो उम्र किए थे तीन उम्रे किए थे वो जोड़ के रख लेते सेविंग कर लेते हज पे जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं लोगों के ऊपर लाजि है कि अल्लाह के लिए जो इस्तात रखता है जिसके पास माल है वो आए और हज करें क्यों मेरे से मोहब्बत का इजहार करो मेरे बंदो ये लाजिम है इसके बगैर हमारी रूह अधूरी रह जाएगी हमारा ईमान नामुकम्मल रह जाएगा लेकिन साथ में अल्लाह चाहते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करो मेरे बंदो मेरे साथ लाजम है और अगर नहीं करोगे वो अमन का फरा फ़ाल्ला नीमीन जो इनकार करेगा तो अल्लाह भी तुमसे मुस्तगनी है अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अगर नहीं आओगे इसतात है माल है सेहत है वसाइल हैं आ सकते हो और नहीं आते तो ताला की नाराज़गी का इजहार फ़ाल लनी अनमी अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है एक हदीस है जो वैसे टेक्निकली सनत के अतबार से थोड़ी सा उसके अंदर ओफ़ है लेकिन फजीलत की अहदीस में ओफ़ को नहीं देखा जाता अ शदीद फ़ हो और नबी करीम सली ने फरमाया कि अगर कोई इसतात हो किसी के पास और वो हज पर ना जाए तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है कि वह यहूदी मरे या नसरानी मरे अल्लाह को परवाह ही नहीं उस पर फाइनल का नहीं कोई परवाह नहीं है और इसके ऊपर जो हमारे मशाइ दो इशारात निकालते हैं ना हमारे उलमा अजीब अल्लाह ताला उनका जिसका दिल खोलते हैं उसका दिल खोलते हैं कि जो हज इस्तात हो और हज पे आए तो फिर अल्लाह को परवाह है कि वो यहूदी ना मरे और नसरानी ना मरे यानी हज और उमरे पे आने वालों के लिए बशारत है कि इन शात्मा बिलिमान होगा